नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नए ब्लॉग में। और हम जस्ट अपना नाइट ड्यूटी खत्म करके आए हैं और संतोषी यहाँ पे क्या कर रही है, वाटर बॉटल में पानी भर रही है और टिफिन भी यहाँ पे पैक कर दिया गया है क्योंकि आज से शिवम का जो है स्टार्ट हो रहा है स्कूल। बहुत दिन के बाद, कितना दिन के बाद जाएगा संतोषी? डेढ़ महीना के बाद आज पहला दिन स्कूल स्टार्ट हो रहा है। गर्मी छुट्टी जो था वो एक्सटेंड होते होते एक महीना से ऊपर ही हो गया था एक्सटेंड होते होते। तुम स्कूल जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी तो शिवम पहले तो स्टार्टिंग में बहुत रोता था लेकिन अभी थोड़ा समझदार हो गया है। तो किस में जाओगे तुम स्कूल, कौन लेके जाएगा तुमको? ड्राइवर अंकल के साथ। हाँ, तो मैं तब 9 बजे तब वाटर पार्क जाएंगे। अच्छा ठीक है, वाटर पार्क बाद में जाएंगे, पहले तुम्हारा एग्जाम हो जाए उसके बाद, ठीक है? और टिफिन पूरा फिनिश करना, ठीक है? अभी बालकोनी में अभी स्नान करेगा, ये यहीं पे स्नान करता है दोनों भाई बहन। तो चलिए इसको स्नान करने देते हैं। तो शिवम यहाँ पे रेडी हो गया है। रेडी है शिवम, कोई दिक्कत? स्कूल जाना है तो ठीक, गुड। और दिशा भी यहाँ पे उठ गई है, उसको पता है कि भैया स्कूल जाने वाला है, तो ये तो रोएगी पूरा क्योंकि इसका प्यारा भैया स्कूल चल जाएगा इसका छोड़ के। क्या करेगी, किसके साथ बदमाशी करेगी? और एक दो साल रुक जाओ फिर तुम भी जाएगी भैया के साथ स्कूल। हाँ, तुम गोदी लेके जाना। अच्छा, और लंबा हो जाना फिर गोदी लेके चल जाना बहना को। जाएगी ना? जाएगा ना। नीचे जाकर इंतजार करते हैं, ठीक है? ड्राइवर अंकल आने वाले होंगे, अभी फोन किए थे। देखो आ गया तुम्हारा गाड़ी, चलो रेडी हो जाओ। रुको, टाटा करना अभी। देखो 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 देखो, तुम्हारा दोस्त तुमको देख रहा है, कितना दिन के बाद देख रहा है। कहाँ गया भैया? देख रही है कि कहाँ चल गया मेरा भैया बैठ करके। वैसे इसको आदत है, जानता है कि स्कूल गया है। चलो अब ऊपर चलो, अब ऊपर में बदमाशी करना। चलिए शिवम स्कूल जा चुका है और हम भी निकलते हैं मार्केट, कुछ सब्जी वगैरह लेकर के आ जाते हैं। और पीछे में जो है MTV चल रहा है, गाना सुना जा रहा है आज टीवी में। A few moments later. और किचन में अभी यहाँ पे चावल हो गया, माड़ पसारा जा रहा है और यहाँ पे बन रहा है साग और यहाँ पे आलू प्याज काट के रखा हुआ है, तो सब्जी बनेगा अभी। तो अभी 1:45 हो गया और खाना खा लेते हैं। शिवम भी आने वाला होगा, उसका स्कूल में छुट्टी हो गया होगा। यहाँ पे दिविशा सो चुकी है, तो शिवम भैया जब आएगा उसके साथ उठ के बदमाशी करेगी। संतोषी अभी बालकोनी में खड़ी है और शिवम का आने का इंतज़ार कर रही है। एक्चुअली टाइम तो हो गया है आ जाने के लिए लेकिन अभी तक आया नहीं है शिवम। और दिविशा भी उठ गई है। उठ गई तुम? तो देखिए इंतज़ार कर रही है। आ गया, जाओ नीचे जाओ। तो गाड़ी का आवाज़ सुन लिए संतोष? अच्छा हाँ, आ गया है गाड़ी, आ गया है। सब कोई आगे बैठना चाहता है। आ गया शिवम। बेग का क्या हाल हुआ है? आजा आजा आजा, बहुत थक गया। ठीक है पानी पी लेना, उसके बाद खाना खा लेना। हाँ, मजा आया था आज स्कूल में? पहला मजा आ गया। 3 hours later. तुमको नींद लगा है? मम्मी ने तभी सोने नहीं दिया।
तो तुम रात में लेट से क्यों सोया? तुमको रात में जल्दी सोना चाहिए था ना, इसलिए तुमको उठने में दिक्कत हो रहा था, है ना? आज रात को जल्दी सो जाना, ठीक है? पढ़ के स्कूल का होमवर्क बना लिया? याद कर लिया? वाटर पार्क जाइए। इसको हम बोले कि वाटर पार्क लेके जाएंगे, इसलिए रोज वाटर पार्क का नाम ले रहा है। ठीक है, एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद तुमको वाटर पार्क लेके जाएंगे पक्का, ठीक है? देखो वाटर पार्क का हम लोग एक कूपन भी खरीदे हैं। देखो ये है ना वाटर पार्क का कूपन। तो ये है वाटर पार्क का, इसको कूपन कह सकते हैं, टिकट बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों के ऑफिस में आया था बेचने के लिए, तो हम लोग खरीद लिए। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है, बहुत कम दाम में बहुत आदमी जा सकता है, दो तीन बार चार बार जा सकते हैं। तो जाएंगे तो वहाँ से भी वीडियो आएगा वाटर पार्क का। लेकिन कब जाएंगे? एग्जाम के बाद, ठीक है? क्या खोज रही है? यहाँ पे मेरे लिए निकल रहा है चाय। तो ये बिस्कुट तो दिविशा खाती है ना? हाँ खाती है। खत्म हो गया क्या? हाँ, वो टूटल नहीं लेती है। बाप रे बाप। तो चलिए चाय पीते हैं। तो मार्केट जाने का झमेला है नहीं, क्योंकि हम सब्जी वगैरह सब पहले ही ले आए हैं, और आज मेरा रेस्ट है, यानी कि छुट्टी का दिन है। हो गया अपना, मम्मी को भी कर लो प्रणाम। चलो, तुमको मारा था स्कूल में? कौन? वो लड़की ने। क्या नाम है लड़की का? पता नहीं। आज तुम नाम पूछ के आना था? देवांशिया। देवायन? देवायनी। लड़का था? लड़की था? हाँ लड़की था। ओ, देवाराध्या। हाँ। तुमको कैसे पता है नाम? क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते हैं ना। उठ गई बेटा? आज एकदम नींद पूरा करके उठी है। तो जब इसका नींद पूरा हो करके उठता है तो ये रो के नहीं उठती है। क्या हुआ क्या हुआ, और सोएगी? और इधर संतोषी आज क्या पहनी है? मेरा टी शर्ट पहन लिया है। तो इसका जो कपड़ा था वो भींगा हुआ था, बारिश के कारण भींगा हुआ है, तो हम बोले कि मेरा ही टी शर्ट पहन लो और अच्छा लग रहा है देखने में। तुम अब मेरा टी शर्ट को पहन लेना, ठीक है? तो जब नया नया शादी हुआ था पहले टी शर्ट वगैरह पहनती थी, तो बीच में छोड़ दी। चलिए नाश्ता लग गया है, रोटी है रात का, पूरी सब्जी आम और दही, साथ में चाय। 3 hours later. तो आज हम इन दोनों डंबलों का यूज़ करते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। पड़े पड़े फालतू में इसमें गंदा जम रहा है। तो एक्सरसाइज करते करते आधा घंटा हो गया है और शरीर से भी पसीना छूटने लगा है। तो आज के लिए इतना एक्सरसाइज काफ़ी है। चलिए अब जल्दी से अब स्नान कर लेते हैं। शिवम का भी आने का टाइम होने वाला है, 12 बज गया है, 2 बजे तक वो भी आ जाएगा। तो मेरा नहाना हो गया है और अभी यहाँ पे खीर बन रहा है। एक्चुअली हम नहीं बना रहे हैं, बना रही थी संतोषी ही, तो वो नीचे गई है बाबू को लाने के लिए। शिवम का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो हमको बोली कि आप थोड़ा सा लाते रहिएगा। और आज मंगलवार है तो हम भी एक टाइम का खाना अभी बंद कर दिए। पिछले मंगलवार को भी हम दिन का खाना नहीं खाए थे और आज भी हम जो है दिन का खाना नहीं खाएंगे। तो ये शाम में हो जाएगा, शाम के लिए बन रहा है। थोड़ा अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है एक टाइम का खाना नहीं खाने से। ये अंडा उबाल के रखा गया है शिवम के लिए, शिवम आएगा तो उसको खिलाएगी। और आज एक्सरसाइज करके जो है मज़ा आ गया, एकदम अच्छा लग रहा है। देखिए आज हम ये टी शर्ट भी पहने हैं, थोड़ा फिट फिट लग रहा है हमको अपने आप में। शिवम भी स्कूल से आ चुका है। हाँ, हम ला रहे थे देखो बैठ गया। नहीं, अभी जस्ट वीडियो बनाने के लिए मोबाइल उठाए ना, इसीलिए बैठ गया। और संतोषी जो है वो टी शर्ट चेंज कर दी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था।
शिवम दिखा रहा है कि वो पूरा टिफिन फिनिश कर दिया है। तो हम लोग आ गए हैं छत, शाम का टाइम में छत में घूमने के लिए। दिविशा क्या कर रही है? दिवी क्या कर रही है? तुम उधर क्या कर रही है? आओ यहाँ। Tomorrow। तो अभी मॉर्निंग टाइम है और हम लोग सब कोई उठ गए हैं। शिवम को तैयार करा रही है उसकी मम्मी और आज उसका स्कूल में पीटी है इसलिए ये इस प्रकार का कपड़ा पहना है। दिविशा, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।